हेलो फ्रेंड्स, आज माय फूड रसोई से देखो आपके लिए क्या बन के आया है। चिली कॉर्न और न्यू रेसिपी है, आप भी बनाइए और आनंद लीजिए। और आज मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो पता क्या कह रही थी, मैंने आपके चिली कॉर्न खाने हैं। कह रही आपने पिछली बार बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं 5 मिनट में। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और ये देखिए, ये हो गया ना, ये छील लेते हैं जल्दी से और इनके दाने निकाल देते हैं। और इसको हमने क्या करना है, नाइफ से बस एक लाइन होती है निकालने वाली, उसके बाद ये देखो इस तरह किया ना, हो गया ना हमारी एक लाइन, देखो है ना। बस अब देखो मैं आपके सामने कैसे निकालूंगी। अब देखो चलते जाओ तेजी से, ये देखो कितनी तेजी से चल रहा है ना स्पीड, देखो। अब हम आपको इसके चिली कॉर्न बना के दिखाते हैं। अब हमने एक सीटी इनको बॉयल देना है। ये देखो कुकर में हम एक गिलास पानी डालते हैं, पीछे से गैस ऑन करो, इसमें एक गिलास पानी डालो, इसमें ये डाल दो सारे भुट्टे के दाने, धो लेना पहले पानी से। अब इनको एक सीटी होने दो बस, फिर हम आगे करेंगे। ये देखिए बस एक सीटी देने के बाद हम इसको गैस को बंद करते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया हमारा, ये देखो पानी बिल्कुल सूख चुका है इसमें। अब हम इसका जो कोटिंग है जो करनी है आगे, जो उसकी कॉर्नफ्लावर की और राइस फ्लोर की कोटिंग करनी है, इसके बाद करेंगे। तो एक बाउल मैंने और ले लिया, इस बाउल में मैं डालने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं, 1/2 टीस्पून लिया। अब इसको हल्का सा पानी डाल लेते हैं इसमें, कितना बस कितना है, 2 चम्मच पानी होगा। अभी इस तरह की स्लरी बन गई। और ये जो कॉर्न है इसमें देखो ये मैं मिक्स करने लगी हूँ, इसमें ये डाल दिया, और इसको अब चम्मच से हिला लेते हैं। ये देखिए इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ थोड़ी देर। ये देखो थोड़ी देर इसी बाउल में हम प्याज और मिर्ची वगैरह सब काट लेते हैं। हमने धो लिया और ये कर दिया, ये हो गया ना। अब इसके बाद इसके ये कटोरियाँ निकाल लो इस तरह। देखो ये प्याज हो गए, हमारी हो गई हरी मिर्ची एंड ये लहसुन। 10 मिनट हो गए इसको लगा हुआ। अब हम एक घोल बना लेते हैं, जिस चावल का आटा 2 टेबलस्पून, ये हो गया 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ये हो गया ना। अब ये देखिए जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया है ना ड्राई, अब इसमें पानी डालना है हमने, और उससे पहले 1/2 चम्मच 1/2 टेबलस्पून ऑफ नमक डाल दो, क्यों ये 1/2 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं बस। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है, और पानी भी बहुत सोच के डालना है, जब घोल बनाते हैं जब हम पकोड़े तलते हैं उसी टाइप में बनाने हैं हमने, ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए ये हो गया ना। अब इसमें हम अपने ये जो कोटेड हमने किए हुए हैं कॉर्नफ्लावर से, ये डाल देते हैं बीच में। ये देखिए ये डालने के बाद इनको हिला लेते हैं, और हिलाने के बाद हम इनको अब फ्राई करेंगे। कढ़ाई रख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ये देखिए अब कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया और इसको रख दिया गैस के ऊपर, और अभी नीचे से गैस ऑन करके थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। देखो अब इसमें घोले हुए हैं ये, अब ये इसमें डाल देते हैं, गैस कम कर लो, हल्का सा गैस तेज कर लो। ये देखिए इनको अलग अलग कर लो थोड़े से। अब ये देखो तैयार हो गए ना, अब निकालो इसको, ये हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखो इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर लो, देखो कितने कड़क हो रहे हैं, आवाज आ रही है इनकी, ये देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखो पैन ले लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं बस, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले लहसुन डालेंगे, ये हमने डाल दिया लहसुन, बस हल्की सी महक आनी शुरू हो गई। हरी मिर्ची डाल दी हमने, अब इसमें डाल दो खड़े वाले प्याज, और अगर शिमला मिर्च है वो भी डाल दो। महक आनी शुरू हो गई ना, अब हमने क्या क्या डालना है देखो। ये चिली सॉस डालेंगे सबसे पहले, ये डाल दी हमने चिली सॉस, 2 चम्मच टमाटो केचप डाल रहे हैं। ये देखिए ये डालेगी हमारी सोया सॉस, 1.5 चम्मच डालते हैं, ये हो गया। और 1/4 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक, बस नमक इतना सा ही डलेगा बस, नॉट मोर। 1/2 टेबलस्पून हम सिरका डालने वाले हैं, ये वाइट विनेगर है ये देखिए। और अब हल्का सा पानी डाल दो इसमें, और ताकि थोड़े से लिक्विड फॉर्म में रहे, ये देखिए इस फॉर्म में दो में। ये देखो इनका रंग कितना अच्छा आ गया, ये देखिए अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
है ना, बिल्कुल तैयार है। अब इनको उतार लेते हैं और इनको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। गैस हमने बंद कर दी, ये देखिए और ये डाल दी हमने धनिया और थोड़ी सी चिली और देखो वाओ, और कैसा बना है, बढ़िया लग रहा है ना। और इसके साथ नींबू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, ये देखिए। और खाइए इसको मजे से, और जो मेरी फ्रेंड आई है ना उसको खिलाती हूँ मैं। अब ये देखिए हमारी प्लेट रेडी है फॉर सर्विंग, है ना। और आप ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनी है। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। ये देखिए।